वितान, सहायक वाचन, आलू अंधारी, इसके जो लेखक हैं बेबी हालदार, उन्होंने समाज में रहने वाली एक अकेली महिला अपने जीवन यापन के लिए, अपने काम की तलाश के लिए कैसे संघर्ष करती है, अपने बच्चों की भविष्य के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, काम की तलाश में कितने लोगों से वह बात करती है, बोलती है कि मुझे कहीं काम हो तो बताना। उस बारे में लेखक ने बहुत ही अच्छे शब्दों में वर्णन किया है। मैं आपको इसके बारे में पढ़ा रहा हूं और समझा रहा हूं। उन्होंने फिर पूछा, क्या बिल्कुल नहीं जानती? मैं बोली, झूठ क्यों कहूं कि एकदम नहीं जानती, लेकिन वह जानना नहीं के बराबर ही है। तब उन्होंने पूछा, फिर भी कहां तक पढ़ी हो? मैं बोली, छठी सातवीं तक। उतनी पढ़ाई किस काम की? मुझे लगा मेरी बात सुन तातूस कुछ सोचने लगे। उस दिन उन्होंने फिर कुछ और नहीं कहा। अगले दिन मैं आई तो मुझे देख हंसने लगे। वैसे भी उनके चेहरे पर सब समय हंसी रहती थी। देखकर लगता था कि उनके मन में गुस्सा है ही नहीं। बोलते भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता थे। उन्हें देख मुझे श्री रामकृष्ण याद आ सकते थे। मैं उनसे बात करने लगती, फिर वहां से उठने की मेरी इच्छा नहीं होती। एक बार बातें शुरू हुई नहीं कि वह इधर उधर की ना जाने कितनी बातें मुझे बताने लगते। मैं तातूस के पास खड़ी यही सब सोच रही थी। हठात वह बोले, अच्छा बेबी, तुम्हें किसी लेखक का नाम याद है? मैंने उनकी ओर देख हंसते हुए झट से कहा, हाँ कई तो हैं, जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, शरद चंद, सत्येंद्रनाथ दत्त, सुकुमार राय। मैंने इन लोगों के नाम लिए तो पता नहीं क्यों तातूस मेरे सिर पर हाथ रख मुझे आश्चर्य से ऐसे देखने लगे जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा हो। कुछ क्षण बाद वह बोले, तुम्हें पढ़ने लिखने का शौक है? मैंने कहा, शौक होने से भी क्या हो सकता है। मुझे ऊपर ले जाकर उन्होंने अलमारी से एक किताब निकाली और कहा, बताओ यह क्या लिखा है? मैंने देखकर सोचा, पढ़ तो ठीक ही लूंगी। फिर सोचा, लेकिन गलती हो गई तो क्या? मैंने फिर सोचा, कह दूंगी मुझे पढ़ना लिखना एकदम नहीं आता। तातूस मेरे मुंह की ओर देखते ही जा रहे थे। उन्होंने कहा, पढ़ो ना, कुछ तो पढ़ो। मैंने तब बोल ही दिया, अमार में बेला तस्लीम नसरीन। तातूस बोले, तुम यही सोच रही हो ना कि कहीं गलती हो तो नहीं हो जाएगी? मैं हंसने लगी। वह बोले, यह किताब तुम ले जाओ, घर पर समय मिले तो पढ़ना। मैं किताब लेकर घर चली आई और रोज उसमें से एक दो पेज कर पढ़ने लगी। मैं किताब लेकर पढ़ने बैठती तो आसपास के लोग देखकर आपस में ना जाने क्या बातें करते। मैं उनकी बातें अनसुनी कर देती। किताब पढ़ने से पहले मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे वह दूर होने लगी। किताब पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। कुछ दिनों बाद तातूस ने एक दिन पूछा, तुम तो किताब ले गई थी, उसे ठीक से पढ़ तो रही हो? मैंने
हाँ कहा तो वह बोले, मैं तुम्हें एक चीज दे रहा हूं, उसका इस्तेमाल करना। मैंने हाँ कहा तो वह बोले, मैं तुम्हें एक चीज दे रहा हूं, तुम उसका इस्तेमाल करना। समझना, वह भी मेरा ही एक काम है। मैंने पूछा, कौन सी चीज? तातुस ने अपनी लिखने की टेबल के ड्रॉअर से एक पेन और कॉपी निकाली और बोले, इस कॉपी में तुम लिखना। लिखने को तुम अपनी जीवन कहानी भी लिख सकती हो। होश संभालने के बाद से अब तक की जितनी भी जीवन कहानी लिख सकती हो, भी बातें तुम्हें याद आए, सब इस कॉपी में रोज थोड़ा थोड़ा लिखना। पेन और कॉपी हाथ में लिए मैं सोचने लगी, इसका तो कोई ठिकाना नहीं कि जो लिखूंगी वह कितना गलत या सही होगा। सोच रही थी कि लिख सकूंगी या नहीं। वह बोले, जरूर लिख सकोगी, लिख क्यों नहीं सकोगी, जैसे मैंने वैसे लिखना। पेन और कॉपी ले मैं घर गई और उसी दिन से एक दो पेज रोज लिखने लगी। लिखती और वह भी किताब भी पढ़ती। सवेरे काम पर आती तो तातुस पूछते कि कुछ लिखा या नहीं, और यदि मैं हाँ कहती तो वह बहुत खुश हो जाते और कहते, तुम यदि रोज लिखोगी तो मैं तुम्हें और भी प्यार करूँगा। किसी किसी दिन लिखते पढ़ते इतनी रात हो जाती, तब तक आसपास के लोग एक नींद सो भी चुके होते। नींद टूटने पर वे देखते कि मैं जागी हूँ, तो सवेरे कोई ना कोई पूछ बैठता, बताओ तो तुम इतनी क्या लिखती पढ़ती हो। मैं कहती, कुछ भी तो नहीं, मुझे उन लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती। और फिर वहाँ कुछ अन्य असुविधाएं भी थी, जिसके कारण मैं अपना वह भाड़े का घर छोड़ना चाहती थी। उस समय मैं यही सोचा करती थी कि उससे अच्छी जगह कहाँ मिल सकती है। वहाँ पानी की असुविधाएं थी, वहाँ बाथरूम की असुविधा भी थी, चार घरों के बीच बाथरूम एक ही था। सवेरे कोई पेशाब के लिए उसमें घुसता तो कोई दूसरा उसमें घुसने के लिए बाहर खड़ा रहता। टट्टी के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन वहाँ भी चैन से कोई टट्टी नहीं कर सकता था, क्योंकि सुअर पीछे से आकर तंग करना शुरू कर देते थे। लड़के लड़कियां, बड़े बूढ़े, सभी हाथ में पानी की बोतल ले टट्टी के लिए बाहर जाते थे। अब वे वहाँ बोतल संभाले या सुअर भगाए, मुझे तो यह देख सुनकर बहुत खराब लगता था। लड़कियों के हाथ में बोतल लिए मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा। तातूस ने मुझसे पहले ही पूछा था, तुम जहाँ रहती हो वहाँ कोई बाथरूम बाथरूम है कि नहीं? ऊपर एक बाथरूम है, तुम चाहो तो वहीं से नहा धोकर निपट कर जा सकती हो। उस दिन से मैं यह सब करने के बाद घर जाती। किसी किसी दिन घर पहुँचने में देर हो जाती तो मकान मालिक की स्त्री पूछने चली आती कि इतनी देर क्यों हुई। कभी कभी वह यह जानना चाहती कि मैं कहाँ गई थी। उसकी बात सुन मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं सोचती थी कोई बात हुई कि मैं सारा दिन काम पर रहूं और लौटूं तो बेमतलब की बातें सुनने को मिले। मैं क्या किसी की बांदी हूं कि वह सब सुनना ही पड़ेगा। घर का भाड़ा देने से मैं नागा नहीं करती,
फिर मेरे कहीं जाने से इन लोगों को इतना दर्द क्यों होता है? और मैं जाती भी कब कब थी, समय ही कहाँ था मेरे पास। काम करके लौटती तो लिखने पढ़ने बैठ जाती, कभी कभी सविता से जरूर मिल आती। वह मेरी एक पुरानी कोठी की सहेली थी, उसके यहाँ से लौटने में काफी देर हो जाती तो सभी मुझे ऐसे देखते जैसे मैं कोई अपराध कर आ रही हूँ। बाजार हाट करने भी जाना होता तो वह बड़ी बूढ़ी मकान मालिक की स्त्री कहती, कहाँ जाती हो, रोज रोज तेरा स्वामी है नहीं, तू तो अकेली ही है, तुझे इतना घूमने घामने की क्या दरकार? मैं सोचती मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं है तो क्या मैं कहीं घूम फिर भी नहीं सकती, और फिर उसका साथ में रहना भी तो ना रहने जैसा है। उसके साथ रहकर भी मुझे क्या शांति मिली, उसके होते हुए भी पाड़े के लोगों की क्या क्या बातें मैंने सुनी। जब उसी ने उन बातों को लेकर उनसे कभी कुछ नहीं कहा तो मैंने आंख मुंह बंद किए, चुप ना रह जाती तो क्या करती। जब मेरे स्वामी के सामने वहां के लोगों के मुंह बंद नहीं होते तो यहाँ तो बच्चों को लेकर मैं अकेली थी, यहाँ तो वैसी बातें और भी सुनना पड़ती। मैं काम पर आती जाती तो आसपास के लोग एक दूसरे को बताते कि लड़की का स्वामी यहाँ नहीं रहता है, यह अकेली ही भाड़े के घर में बच्चों के साथ रहती है। दूसरे लोग यह सुनकर मुझसे छेड़खानी करना चाहते, वे मुझसे बातें करने की चेष्टा करते और पानी पीने के बहाने मेरे घर आ जाते। मैं अपने लड़के से उन्हें पानी पिलाने को कह कोई बहाना बनाकर बाहर निकल जाती। इसी तरह मैं जब बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो लोग जबरदस्ती ना जाने कितनी तरह की बातें करते, कितनी सीटियां मारते, कितने ताने मारते, लेकिन मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनसे बचकर निकल जाती। सातूस के यहाँ जब पहुँचती और वह बताते कि उनके किसी बंधु ने उनसे मेरे पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा तो मैं खुशी में वह सब भूल जाती तो जो रास्ते में मेरे साथ घटता। सातूस के कुछ बंधु कोलकाता और दिल्ली में थे, जिन्हें वह मेरे पढ़ने लिखने के बारे में बताते रहते थे। वे लोग भी चिट्ठियां लिखकर या फोन पर तातुस से मेरे संबंध में जब तब पूछते रहते थे। एक दिन मैं घर में बैठी अपने बच्चों से बातें कर रही थी, तभी मकान मालिक का बड़ा लड़का आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। मैंने उससे बैठने को कहा, बस वह बैठा तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने बातें चालू की तो लगा वे कभी खत्म नहीं होगी। उसकी बातें ऐसी थी कि जवाब देने में मुझे शर्म आ रही थी। मैं उससे वहां के से चले जाने को भी कह नहीं पा रही थी और स्वयं भी बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि वह दरवाजे पर ऐसे बैठा था कि उसकी बगल से निकला नहीं जा सकता था। मैं समझ रही थी कि वह क्या कहना चाह रहा है। ऐसे में उसकी बातों को मैं अनसुना नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा अब मेरा भला इसी में है कि इस घर को भी जल्दी से छोड़ दूँ। उसकी बातों से यह साफ हो गया कि मैं यदि उसके कहने पर चलूंगी तब तो उस घर में रह सकूंगी, नहीं तो नहीं। मैंने सोचा यह क्या इतना सहज है?
घर में कोई मर्द नहीं है तो क्या इसी से मुझसे हर किसी की कोई भी बात माननी होगी। मैं कल कहीं और घर ढूंढ लूंगी। लेखक बेबी हाल्डन ने इस लेख में जो अकेली महिला, कामकाजी महिला, जो अपने बच्चों की परवरिश के लिए, काम की तलाश के लिए और जिस कोठी में वह काम करती है वहां से जो उसको स्नेह मिलता है, अपनापन मिलता है, जो उस कोठी के मालिक थे तातूस, जिन्हें वह तातूस बुलाती थी, वह इस महिला को अपना स्नेह भी देते हैं, उसका प्रोत्साहन भी बढ़ाते हैं। लेकिन एक समय वह कोठी में अकेली थी तो मकान मालिक का जो बड़ा लड़का था वह आया उसके कमरे में और दरवाजे में बैठ गया और ढेर सारी बातें करने लगा। और उसकी जो बातें थी, उस बातों का जो सारांश था, जो अर्थ था, वह महिला समझ के भी ना समझ बनी और सोचने लगी कि मैं इस कोठी में काम कर रही हूँ और मेरी भलाई इसी में है कि मैं इस काम को छोड़ूं और कहीं काम ढूंढने चली जाऊं। और इस बारे में वह सोचने लगी। उसकी जो वेदना है, उसकी जो पीड़ा है, उसका जो मर्म है, महिला जो इतना संघर्ष कर रही है, उसके बारे में लेखक ने जो वर्णन किया है वो अद्भुत है और बहुत ही सराहनीय है। इसके बाद मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा और कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो बच्चों, तो आप लोग मेरे से संपर्क